दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि फ़ोटो को डार्क टोन इफेक्ट में एडिट कैसे किया जाता है। तो चलिए फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। और हाँ, मैं जो भी PNG यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्नैपचैट में आने के बाद आपको जाना है टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद जाना है आपको डिटेल्स पर। डिटेल पर जाने के बाद स्ट्रक्चर को 20 कर देना है, 22, और इसके शार्पनिंग को 10 रखना है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद हमें जाना है विगनेट पर। विगनेट पे आ जाने के बाद टूल नंबर का जो ऑप्शन है उसे डन कर देना है, और इसका ब्राइटनेस को 50 कर देना है, और इसके सैचुरेशन को 100+, और इसके स्टाइल स्ट्रेंथ को 26 करना है, और इसके विगनेट स्ट्रेंथ को आपको 48 कर देना है। इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे फेस पर सैचुरेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है एरो वाले ऑप्शन पर। एरो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है व्यू एडिट पर। व्यू एडिट पर यहाँ पे देख सकते हैं विगनेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे विगनेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्रश पे चले जाना है। ब्रश पे जाने के बाद यहाँ पे इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है, और फोटो को इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसे इरेज कर देना है। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका इफेक्ट जो है वो हटेगा, और ज़ीरो करने के बाद अगर इसे 100 कर देंगे तो इसमें ड्रॉ होगा। देखिए, तो चलिए हमें इसे हटाना है, तो मैं ज़ीरो करके अच्छे तरह से चलाऊंगा पूरे फेस पर, पूरे बॉडी पर, जहाँ जहाँ पे हमें सैचुरेशन का इफेक्ट नहीं रखना वहाँ वहाँ पे मैं अभी चला के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना करने के बाद फ़ोटो को डन कर देना है। डन करने के बाद जाना है आपको विगनेट पर क्लिक करना है, और इसके सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर चले जाने के बाद इसका सैचुरेशन को आपको 100 माइनस कर देना है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हैं आपको फ़ोटो में किस अच्छी तरह का इफेक्ट आ गया होगा। इतना करने के बाद आपको जाना है ब्रश पर फिर से दोबारा, और जहाँ जहाँ पे गलती से आपका टच हो गया होगा वहाँ वहाँ पे आपको सिंपली आपको ड्रॉ कर लेना है। देखिए मेरा हो चुका है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है डबल एक्सपोजर पर। डबल एक्सपोजर पर जाने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, और अपने फ़ोटो को ऐड करना है। इस वाले PNG को ऐड करने के बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, और इसे आपको लाइट कर देना है। लाइट करने के बाद मॉडल इमेज के ठीक हेड के पास रख के डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है डबल एक्सपोजर पे, और उसके बाद फिर से एक PNG ऐड करनी है। इस PNG को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपको जाना है इसी वाले ऑप्शन पर, और इस बार आपको ऐड वाले इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। ऐड वाले इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद जाना आपको व्यू एडिट पर। व्यू एडिट पर जाने के बाद आपको इसका इफेक्ट जो है सेट और बॉडी से हटा देना है। तो चलिए मैं आपको हटा के दिखा दे रहा हूँ इस तरह से कुछ। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा आपको जाना है डबल एक्सपोजर पे, और फिर से एक PNG ऐड करना है।
छेद करने के बाद उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है और उसे उसी तरह से इसे भी लाइट कर देना है। इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर करने के बाद आपको जाना है लाइट पर और इसके हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर देना है, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है, वाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्लैक्स को कम कर देना है। इतना करने के बाद आपको जाना है कलर टूल पे। कलर टूल पे जाने के बाद जाना है आपको मिक्स टूल पे और इसका मिक्स टूल पे जाने के बाद आपको जाना है येलो टूल पे और इसका सैचुरेशन को 42 कर देना है। इतना करने के बाद आपको जाना है इस ऑरेंज वाले कलर पे और इसका सैचुरेशन को -50 और इसके लिमनस को 11 कर देना है। इसी तरह से रेड वाले ऑप्शन में भी इसी तरह से करना है जिससे आपके फेस पर लाइट आ जाएगा। इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आना है आपको इस वाले टूल पे और इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ा देना है। इतना करने के बाद फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो अगर ये आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।